Hello, now consider the implementation of dynamic memory allocation. In the previous video, हमने इसके theoretical concept समझे थे कि किस तरीके से हम dynamically memory को allocate करते हैं, what are the various functions, their syntax, what are the advantages and disadvantages. अब हम यहाँ पे एक program implement करेंगे और उस program के through हम dynamically एक array के लिए memory allocate करेंगे और उस memory में अपने elements को store करवाएंगे और उनको print कराएंगे. So let us first declare a variable of type integer क्योंकि मुझे अपने number of elements चाहिए और number of elements integer में हो सकते हैं. Let us say 5 चाहिए, 10 चाहिए, 15 चाहिए और मैं ये value run time पे user से लूँगी. उसके बाद I want a pointer variable and I for loop. So let us first flag the message to the user that enter the size of the array. Okay, now let us take the value with the help of scanner function, percentile d and address of n. In n variable we will store the size of the array. Now we have to dynamically allocate the size for these n number of elements. With the help of malloc function we can do that. First we need to typecast the void type of pointer returned by the malloc function. So this is the syntax: malloc n number of element into size of int. Because हम यहाँ पे जो variable ले रहे हैं वो integer type के ले रहे हैं, इसीलिए size of int. फिर typecast किस पे करेंगे हम? ये जो malloc function है वो एक void point type का pointer return करेगा. उस void pointer को we need to typecast into the integer type of variable or pointer. तो उसके लिए हम क्या करेंगे? What is the syntax? हम data type लिखेंगे और ये asterisk sign लिखेंगे. So with the help of this statement यहाँ से क्या होगा? Dynamic memory allocation होगी with the help of this function. अब हमें क्या करना है? अब हमें, हमारे पास memory आ गई है, अब हमें उस memory में values enter करवानी है. So for that हम एक मैसेज फ्लैग कर रहे हैं यूजर को, एंटर द वैल्यूज ऑफ द एरे. एंड वी कैन एंटर द वैल्यू विद द हेल्प ऑफ लूप. आई लेस देन एन, जो भी एन की वैल्यू यूजर ने रन टाइम पे एंटर करेगी उतने टाइम तक ये लूप चलेगा. और नाउ वी आर टेकिंग द इनपुट फ्रॉम द यूजर, द वैल्यूज आर ऑफ टाइप इंटीजर. और जो भी वैल्यूज यूजर एंटर कर रहा है वो किस मेमोरी लोकेशन पे जाएगी? इस पीटीआर के मेमोरी लोकेशन पे जाएगी. और हर टाइम नेक्स्ट वैल्यू के लिए उसको हम क्या करेंगे? उसको हम आई से प्लस करेंगे. इनिशियली आई की वैल्यू जीरो होगी तो पीटीआर वाली लोकेशन पे जाके वो फर्स्ट वैल्यू स्टोर हो जाएगी. सेकेंड के लिए जितनी भी इंटीजर की बाइट होती है फर्स्ट ब्लॉक छोड़ के वो नेक्स्ट ब्लॉक में चले जाएगा और नेक्स्ट ब्लॉक में आपकी सेकेंड वैल्यू स्टोर हो जाएगी एंड सो ऑन. तो विद द हेल्प ऑफ दिस फॉर लूप टेकिंग इनपुट, टेकिंग वैल्यूज ऑफ द एरे, अब हम क्या करेंगे? जो भी वैल्यूज हमने यूजर से ली हैं उन वैल्यूज को हमें डिस्प्ले कराना है. So display the array. Array is let us print each message in separate line. Okay. इसको अब अगर हमें display कराना है तो display कराने के लिए भी हमें loop लगाना पड़ेगा जैसे हमने enter कराने के लिए लगाया था. बट अगर किसी मेमोरी लोकेशन के कंटेंट को एक्सेस करना है फॉर दैट वी नीड टू पुट द एस्ट्रिक साइन. तो अगर हम किसी पॉइंटर वेरिएबल के आगे एस्ट्रिक लगाते हैं अंडर द प्रिंट एफ फंक्शन दैट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट द कंटेंट एट दैट पर्टिकुलर मेमोरी लोकेशन. तो अगर हमें उस मेमोरी लोकेशन के कंटेंट को एक्सेस करना है इसीलिए हमने यहाँ पे ये एस्ट्रिक साइन लगाया है. नाउ लेट अस फर्स्ट रिवाइज दिस प्रोग्राम.
stdlib is the library जिसमें हमारा malloc function की definition होती है. यहाँ पे हमने तीन variables declare किए हैं, one is n, i and one is a pointer variable. हमने array का size user से लिया है run time पे जो n में store है with the help of malloc function. हमने dynamically memory allocate करी है at the run time. After that हमने arrays की value user से ली है with the help of this function. इनपुट लिया है हमने उस एरेज के एलिमेंट का और फिर उस एरेज को हमने डिस्प्ले कराया है. सो लेट अस रन दिस प्रोग्राम. ओके, देयर इज एन एरर. लेट अस चेक व्हाट इज द एरर. ओके, यहाँ पे सेमी कॉलन नहीं लगाया था हमने. एंटर द साइज ऑफ द एरे. लेट अस, मैंने साइज लिया है एरे का 5. एंटर द वैल्यूज ऑफ द एरे 2, 3, 4, 5, 6. सो दीज आर द एलिमेंट्स ऑफ द एरे 2, 3, 4, 5, 6. लेट अस रन इट अगेन एंड चेक द रिजल्ट फॉर डिफरेंट वैल्यूज. अब यहाँ पे मैं एरे का साइज 10 डाल रही हूँ. अब हमें 10 वैल्यूज एंटर करनी है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10. हियर इज द रिजल्ट. 10 वैल्यूज के लिए आपकी मेमोरी एलोकेट हो गई है डायनेमिकली विद द मैलॉक फंक्शन और 10 वैल्यूज एंटर हो गई है और आपने उनको डिस्प्ले भी करा लिया है. बाय दिस वे यू कैन यूज द मैलॉक फंक्शन टू डायनेमिकली एलोकेट द मेमोरी.